उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दरोगा की बेकाबू कार ने एक होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारते हुए एक बच्ची समेत तीन लोगों को घायल कर दिया। और फिर क्या था, पैसे से वकील दूल्हे को इस पर गुस्सा आ गया और उसने दरोगा को पीट दिया। वहीं दरोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दूल्हा और उसके साथी दरोगा को सड़क पर पीटते हुए दिख रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने इस कांड में आरोपी चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ में रात में प्रियांक नाम के एक वकील का रिसेप्शन था, तभी एक दरोगा की कार उनकी कार से लड़ गई और इससे प्रियांक की कार टूट गई। वहीं वायरल वीडियो में प्रियांक और उसके साथी दरोगा की सड़क पर पिटाई करते दिख रहे हैं। वहीं दरोगा विनोद कुमार की तहरीर पर उनके ऊपर आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 395, 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे